तो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल? तुम्हारे तो बढ़िया ही होंगे, लेकिन यार मेरी कुछ भी अर्निंग नहीं होती, इसलिए आई क्विट। शायद अब वीडियोस नहीं आएंगी। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। देखो, पहल फुल ड्रामा चलता रहेगा, लेकिन तुम लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज आई डोंट क्विट। बात तो सही है। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट है टीजी टूर्नामेंट के बारे में। तो 10 लाख के प्राइस पूल वाले इस इवेंट में खेलेंगी 18 टीम्स और आज से ये स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत ही मजा आएगा तुमको। नेक्स्ट अपडेट है GTBWS से। तो फाइनली इसे जीत लिया है रेवनेंट ईस्पोर्ट्स ने, सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। सेकंड पे रही है टीम माफियाज एंड थर्ड पोजीशन पे रही है वाइटलिटी ईस्पोर्ट्स। अगली अपडेट है फ्रोलिक प्रोलिक से। तो टॉप 6 टीम्स जो इनका ग्रैंड फाइनल्स खेलेंगी वो हैं SBG ईस्पोर्ट्स, टीम माफियाज, PVS गेमिंग, नॉन स्टॉप गेमिंग, गोल्डलैग ईस्पोर्ट्स एंड टीम केओस। और पिछली दोनों अपडेट्स का क्रेडिट जाता है FF गेमर को। कल की रिडल का ऑलमोस्ट सभी ने सही आंसर दिया था, वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। तो आज की रिडल का भी सही आंसर देना है सबको, अप्रैल फुल मत बना देना। नेक्स्ट अपडेट है आइकॉनिक के बारे में। तो उनसे पूछा गया कि क्यों वो अपने नाम से ओजी नहीं हटा रहे हैं, तो उनका कुछ ये रिप्लाई था। अगर ओजी से खेलना पॉसिबल नहीं है तो नाम भी चेंज कर लो ना ब्रो। अरे भाई ऑर्ग में हूँ क्या, नूबड़ा है क्या भाई तू? है भाई, दिमाग दिमाग नहीं है क्या तेरे में? नाम भी चेंज कर लो भाई, एक ही क्वेश्चन, ओजी नाम चेंज करो। अरे भाई ऑर्ग में हूँ, क्यों नाम चेंज करूँ मैं? तब तक और बार नहीं बोलेंगे तब तक मैं तो ओजी रहूंगा भाई, तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है? और अगर तुम्हें लग रहा था कि ओजी साथ में वर्ल्ड सीरीज खेल सकती है इसलिए नाम नहीं चेंज कर रहे प्लेयर्स, तो हो सकता है तुम गलत हो। अगली अपडेट है नेपाल से। तो गेम में गरीना ने नेपाली प्लेयर्स के लिए पर्सनलाइज मैसेज भेजना शुरू कर दिया है, जरा इसे देखो। नमस्ते नेपाल, मेरी तरफ से भी सबको नमस्ते। एंड इस अपडेट का क्रेडिट जाता है सुदील थापा भाई को। लेकिन इस अपडेट के अलावा ईश्वर भाई ने एक और अपडेट दी है कि गरीना नेपाल के लिए अलग इंस्टा और फेसबुक पेज बना रही है। बट जनरली पूरे सर्वर का तो एक ही सोशल मीडिया अकाउंट होता है, लाइक इंडियन सर्वर का एक ही अकाउंट था। बट इन एक्शन से कहीं ना कहीं लगता है कि बाद में कभी गरीना नेपाल को अलग सर्वर देना चाह रही है। लेट्स सी क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट आती है सामने। नेक्स्ट अपडेट है ओजी के बारे में। तो उन्होंने बताया कि उनका ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट एंड किलर का इंस्टा अकाउंट हैक हो गया था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। यार देखो, तुम में से किसी ने हैक किया हो तो ओजी रियूनाइट की एक पोस्ट डाल के आईडी पासवर्ड वापस कर दो। चलो मजाक नहीं, जल्दी उन्हें अकाउंट मिल जाएगा, किलर का वापस भी आ गया है। अगली अपडेट है ईस्पोर्ट्स वाला की इलीट इन्विटेशनल स्कीम्स के बारे में। तो ग्रैंड फाइनल्स डे 1 के बाद टॉप पर है रेवनेंट ईस्पोर्ट्स, सेकंड पे है हैक्स ईस्पोर्ट्स एंड थर्ड पोजीशन पे है टीम इनसेन। नेक्स्ट अपडेट है RNX इन्विटेशनल से। तो ग्रुप ए वर्सेस डी के मैचेस के बाद टॉप पर है गॉडलाइक, सेकंड पे है रेवनेंट ईस्पोर्ट्स एंड थर्ड पोजीशन पे है द माफियाज। और कल फोटो थी अपने फौजी भाई की, तुम आजकल पहचान नहीं पा रहे हो सही से, थोड़ा और जोर लगाओ और जरा आज की फोटो पहचानो और इनकी एक बेस्ट परफॉर्मेंस भी बताओ। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। लाइक कर देना। मार्च में 6K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने का टारगेट रखा था, वो तो नहीं हुआ, अब अप्रैल में करवा दो। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।